वैसे तो लोहरिये खुश खुराकी की वजह से मशहूर हैं ही, मगर मछली इनकी मरगूब गजा है और वो भी जब कई घंटों की मेहनत के बाद पकड़ी जाए तो उसे खाने का मजा भी दुबाला हो जाता है। शहरी बड़ी तादाद में खुशगवार मौसम और छुट्टी का लुत्फ उठाने दरिया रावी पहुंच गए और मुख्तलिफ तरीके से मछलियाँ पकड़ने की कोशिश करते रहे। लोगों का कहना है कि मछली पकड़ने से इनका शौक भी पूरा हो जाता है और वक्त भी अच्छा गुजर जाता है। जुमा हफ्ता हमारी छुट्टी होती है इसलिए हम आ जाते हैं इधर, अगर लग गई मछली तो ठीक है, नहीं तो फिर चले जाते हैं। तो वालों में छुट्टी होती है तो हमने सोचा चलो टाइम पास भी हो जाएगा और शुगर मेला भी अच्छा लग जाता है, इसलिए हम यहाँ पे आ जाते हैं मछली पकड़ने के लिए। मछलियाँ पकड़ने के लिए वैसे तो मखसूस रॉड इस्तेमाल किया जाता है जिसके साथ नेट की मजबूत तार लगाई जाती है। लोगों का कहना है कि शौक पूरा करना हो तो फिर कीमत नहीं देखी जाती। शौक की बात होती है, आप जितना महंगा सामान खरीद लें आपकी मर्जी है, ठीक है सस्ता खरीद लें आपकी मर्जी है। रॉड इस्तेमाल होता है, वैसे आम जो लोग हैं वो तो देसी तरीके से पकड़ते हैं। ठीक है। मैं जी सुबह से आया हूँ, मालडाउन से आया हूँ मैं। अच्छा। तो मछलियाँ पकड़ने के लिए आया हूँ, शौक है मुझे मछलियाँ पकड़ने का, तो बस छुट्टी के टाइम दिन आ जाते हैं इंजॉय के लिए। मछली पकड़े ना आए हाथ वो एक अलग चीज़ है, लेकिन ये एक शौक है, शौक के लिए आ जाते हैं। एक वक्त था जब दरिया रावी में साफ और गहरे पानी के बायस मछलियों की बड़ी तादाद हुआ करती थी, मगर अब करीबी आबादियों के गंदे पानी के शामिल होने से मछलियों की तादाद बहुत कम हो चुकी है। कैमरामैन ख्वाजा फहीम के साथ रेहान गुल, सिटी 42।